हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। What is the first message for Scorpios regarding their person's true intention? What is their true intention towards Scorpio? First card is Wheel of Fortune. So आपके partner जो है वो अब बदलना चाहते हैं, जो भी relationship में है आपके, ठीक है, उसको बदलना चाहते हैं। अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, डेफिनेटली ये ब्रेकअप सिचुएशन लगती है मुझे, वो इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, वो एक नया चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप वैसे भी अच्छा था तो भी वो इसमें एक चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। ये चेंज ये भी हो सकता है कि आप दोनों यस कमिटमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल, तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर अबंडेंस चाहते हैं, लव अबंडेंट भी हो सकती है। वो प्रैक्टिकली किसी को अपना लव शो करना भी एक अबंडेंट है, तो वो आपको अबंडेंस देना चाहते हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये उनकी इंटेंशंस हैं, कमिटमेंट। अगर वो पहले कभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो अब उनकी इंटेंशंस ये हैं कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सिक्योर बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। दे वॉन्ट्स टू मेक यू सिक्योर फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट से भी आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपके और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट था या आपके और फैमिली के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो अब वो अपने, हो सकता है अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। अपनी फैमिली मीन्स कि आप और बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं, अगर नहीं हैं, अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो भी वो इस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं बाय ऑफरिंग यू अ कमिटमेंट, आपको अ कमिटमेंट ऑफर करके, ओके। ओके, अनदर कार्ड फॉर स्कॉर्पियोस। ओके, तो यहाँ पर वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि आप उनकी लाइफ में कम बैक करें, क्योंकि इस बार वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर देंगे आपको, जो भी रिलेशनशिप में ज़रूरत है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो आपको देना इस बार चाहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं, वो जस्ट सिचुएशन को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। उनके हाथ में है, वो अपनी ऑल एनर्जीज़ को गैदर करके अपने ऑल एलिमेंट्स को काम में ला रहे हैं। जैसे कि हमारे अंदर हर एलिमेंट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो हम कहलाते हैं कि उस एलिमेंट से हमारा ताल्लुक़ है, मीन्स के उस साइंस से हमारा ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर वो अपने सारे एलिमेंट्स को, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, जितनी भी उनके अंदर मौजूद है, सारी एनर्जीज़ को वो गैदर में ला कर अब इस सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार उनके फेवर में भी जा सकती हैं चीज़ें, क्योंकि वो इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। अगर वो जो चाह रहे हैं, उनकी प्रेयर्स जो है वो आंसर हो सकती हैं, वो होकर रहेगा। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में आपको अट्रैक्ट कर रहे हों। ओके, अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट चाह रहे हैं वो, तो वो एक मैनिपुलेशन मीन्स, हो सकता है वो मैजिक के थ्रू भी कर रहे हो, बट या आप मैजिक के थ्रू कर रहे हो, बट वो प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस की मदद ले रहे हैं। अगर वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि आप आए उनके पास कमिटमेंट लेकर, तो इसकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या है सिचुएशन का। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर एक इनिशिएट तो कोई ना कोई ले रहा है, डिसीजन भी बन जाएगा रिगार्डिंग दिस कमिटमेंट।
वो अपना माइंड पूरी तरीके से बना चुके हैं और हो सकता है आपको उनकी तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए या उनको आपकी तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। ट्रू इंटेंशन उसकी ये है, उनकी ये है कि वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। अगर वो नहीं दे रहे थे तो अब वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग, इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।